खबर जनपद चमोली से है, जहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में बीएड विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन हो गया। बता दें कि इस कार्यशाला का उद्देश्य स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के मध्य बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता विकसित करना था। इसके तहत ही कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमित अग्रवाल ने कहा कि यूकॉस्ट द्वारा प्रायोजित ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता बनी हुई है। उत्तराखंड में बहुत से उत्पाद हैं जिनको पेटेंट किया जाना और कई उत्पाद और सेवाएं हैं जो पेटेंट के दायरे में आती हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि आईपीआर में जागरूकता के लिए अभी भी पर्याप्त संभावना है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। विद्यार्थी से सीख रहे हैं और ये जान पा रहे हैं कि हमें आईपीआर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। उनके मन में भी क्रिएटिविटी डेवलप करेगी, क्रिएटिविटी उनके मन में जन्मेगी और वो फिर धीरे धीरे कुछ फार्मूले याद करेंगे, कुछ नए वैज्ञानिक तथ्यों की ओर आगे बढ़ेंगे, कुछ नए इन्वेंशन की ओर आगे बढ़ेंगे, कुछ फार्मूलाज की ओर आगे बढ़ेंगे। कुछ हिमालय क्षेत्र में जो हमारी भूमियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, जो हमारे यहाँ का ज्ञान है उसको पुनः रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी को ध्यान में रख करके ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विद्यार्थी कुछ न कुछ इससे सीखेंगे और जो वैज्ञानिक प्रविधियाँ हैं, जो तथ्य हैं, उनको ध्यान में रख करके संग्रहित करके, डेटा को संग्रहित करके किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच करके कुछ पेटेंट कराएंगे, कुछ नई चीज़ों को याद करेंगे। नेशनल वर्कशॉप थी आईपीआर के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है आईपीआर की ग्लोबल एरा में, और मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन बुलाया गया था। मैं डॉक्टर भावना पाठ हिमालय यूनिवर्सिटी जॉली ग्रांट से, आईपीआर सेल में मैं पेटेंट फाइलिंग और प्रायर आर्ट सर्च रिपोर्ट देखती हूँ। मैंने डिटेल यहाँ पे लेक्चर दिया, कल भी एक था जो ओवरव्यू ऑफ आईपीआर सिस्टम था, आज मैंने पेटेंट फाइलिंग के बारे में सबको ब्रीफ करा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सारे लोगों को बहुत ही थैंक यू, डॉक्टर विधि डोंडियाल मैम, सबत सैनी सर और जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनका भी बहुत थैंक्स थी। उन्होंने बहुत अच्छा वर्कशॉप अरेंज करा, सब चीज़ों की सारी जानकारियाँ सबको डिलीवर हो पाई और अच्छे से ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो पाया।